अज मैं तुहाडे नाल गल करनी अगे चल के प्रोग्राम दे विच। बड़ी ही कल मैनू साढ़े मित्र ने उन्होंने जानकारी दित्ती और मैं हैरान हो गया पढ़ के वह जानकारी कि कैनेडा दे विच सरकार ने जदों दा अलाउ किया है कि जे कोई बंदा यह महसूस करे कि उसनू बहुत ज़्यादा पेन है, सफरिंग है, उसनू जीन की कोई आस नहीं, तो वह स्वै इच्छा की मौत मंग कर सकता है। डॉक्टर को जाएगा, डॉक्टर उसनू लाएगा टीका, खत्म। पर सब तो उत्ते कैनेडा है दुनिया के जिथे केसिज आ रहे हैं। 10,000 लोगों की 2021 इस तरह मौत हुई है, 10,000 लोगों की। और लोग भी किहड़े, किसी की हिप सर्जरी होनी सी नहीं हो रही, कोई घर नू गुआ बैठा है, होमलैस हो गया है। तो एक क्यों इन्हां लोगों नू इजाजत दिती जा रही है मरण की? ये चुप चुपीते सरकार ने कदों ये कानून लागू कर दिता? जिन्हां मुल्कां च शुरुआत हुई सी तुसीं सोच के हैरान हो जाओगे सुन के, उत्थे 400 दी मैक्सिमम गिनती है साल दे विच जिन्हां कंट्रियां च ये कानून बनिया, 400 दे करीब मैक्सिमम गिनती है। पर कैनेडा च 2021 च 10,000 लोगों ने इस तरह की मौत मंगी और उन्होंने मिल गई। कई केसा च परिवार के बाकी जियां नू पता भी नहीं लगा, रिश्तेदारां नू, बाकी जियां नू, फैमिली नू, कि कदों डॉक्टरां ने उस बंदे नू इस तरह की मौत की इजाजत दे दित्ती। हाँ, वह गल वक्री है कि जिहड़े लोग डिप्रैशन का शिकार ने, मैंटल हैल्थ का इशू है, उन्हां नू ये स्वै इच्छा नाल मौत नहीं मिलती। उन्हां लई फिर एक बोर्ड बनता है, उन्हां दा मुआयना हुंदा है। पर बाकी लोगों नू क्यों अलाउ किया जा रहा है इस तरह? और चुप चुपीते ये हो की रहा समाज दे विच कि छोटियां छोटियां मुश्किलां आ रही हैं? ठीक है, जीवन दे विच मुश्किलां आंदियां, हर बंदे नू चैलेंज आंदे है, कोई हैल्थ का इशू हो गया, कोई फाइनैशियल इशू हो गया, पर उसनू स्वै इच्छा की मौत दे देनी कानूनन तौर दे उत्ते ये किवें किसी सिविलाइज सोसाइटी च एक्सैप्टेबल होना चाहिए? ये अपने आप च एक वड्डा सवाल है।